हैं जो कि उनको देने चाहिए बगैर किसी तफरके के। जब रहमान मलिक साहब वहां पर गए तो जाहिर है दिल बर्दाश्ता लोग जो हैं वो रोते पीटते मरते क्या ना करते अस्पतालों में, जब उनके सामने लोग दम तोड़ रहे थे तो एक औरत से उनका एक मुकालमा हुआ जिसमें इस आवाम की जो एक लीडर्स के लिए जो एक सोच है, जो एक समझ है, जरा उसको देखिएगा कि वो किस किस पैमाने पर इनको तोलते हैं। इन पुलों की जरूरत हमें नहीं, ये मिस्टर प्रेसिडेंट को दे, शायद किसी और ब्लॉक। मुझे मीटिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये पूछते हैं जो इतने यतीम हो गए हमारी जमात में, किसी के मुंह से उनके लिए कुछ निकला? मैं स्टेटमेंट में खुद भी हाजिर हुआ हूँ और हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे। मैं आपकी जज्बात से बिल्कुल कदर करता हूँ, वी टेक एक्शन। उस वक्त पुलिस कहाँ थी? ये मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरी फाइल में मेरे पास तो लोग पुलिस है, मुझे आप कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों उन्होंने ये सारा वाक्य होने के बाद वहाँ पे क्यों आए ये सब लोग? इधर छुपे थे मुझे नहीं समझ रहे। पंजाब पुलिस से छुपूंगा, चीफ शहीद हो गए, खुदा की राह में हमारा ईमान है वो शहीद हो गए। बड़ी मेहरबानी, कुछ उन मस्जिदों की बिल्कुल होगी यहाँ पे खुदा का नाम लिया जाता है, उनके मुंह से ये नहीं कहा जाता वो मस्जिद है, इबादत कहा। क्रिश्चियंस को हम कहते हैं उनकी, देखिए हम अपनी मस्जिद तो कहते हैं मस्जिद। मैं मेरी बहन आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। और कह भी क्या सकते थे, जब एक वफाकी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी इतनी हो जाए कि अवाम उनसे फूल लेने पर भी राजी ना हो और इतने नाला नजर आए। और मैं शाबाश देना चाहूंगी इस औरत को, उस माँ को, बेटी को, बहन को, मुझे नहीं पता कि उसके कितने रिश्तेदार, कितने लोग, उसके कितने मर्द हजरात उस अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन हिम्मत तो की उसने ये पूछने की कि क्या हक है आपको पाकिस्तान के टैक्स पेयर से इतना प्रोटोकॉल लेने की कि आपके आने से पहले 2 घंटे पहले अस्पताल बंद कर दिया गया, जबकर वहां पर उनकी इबादत गाहों में लाशें गिरती रहीं और लोग खामोश खड़े तमाशा देखते रहे। लेकिन इसमें हमारी पुलिस जो है पंजाब की, उन्होंने बारहा